प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें मोस्टली जो टीचर्स होते हैं ऑब्जर्वर्स होते हैं या एग्जामिनेशन ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉयज टीचर्स भी हमारे स्कूल्स में आते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ही हम पर ऑब्जर्व करने के लिए सीबीएसई ड्यूटी लगाता है. तो मार्क्स उन्होंने देने होते हैं टीचर ने. इसमें सब्जेक्ट टीचर का कोई रोल नहीं होता. जो ऑब्जर्वर आता है उनकी देखरेख में मार्क्स दिए जाते हैं. दूसरा, बस मेरा फेयर इवैल्यूएशन पे सिर्फ मेरा कहना इतना है, अगर मैं पेपर कंडक्ट करा रहा हूं अपने स्कूल में, मेरे टीचर ने ही मार्क्स देने हैं, मेरे स्कूल के टीचर ने ही ऑब्जर्व करना है whether the examination is being conducted in fair means or not. अगर सब कुछ मैंने ही करना है तो मैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा लेके आऊंगा. तो मेरा सबमिशन ये है कि अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता है. अगर मिक्स मैच करके गवर्नमेंट का प्राइवेट में पढ़े, प्राइवेट का गवर्नमेंट में पढ़े, तो स्थिति एकदम साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल. पहले तो ये ट्रेंड था ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट स्कूल्स का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ता था. वो सीबीएसई का अपना प्रेरोगेटिव था, पर मैं पिछले एक दो साल से देख रही हूँ कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के सेंटर प्राइवेट में भी आए हैं मेन एग्जाम्स के लिए, थ्योरी एग्जाम्स के लिए. और बाकी तो जो इंटरनल एग्जाम्स होता है, जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो इंटरनल एग्जाम होता है वो स्कूल में होता है, और उसमें मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स के ही एग्जामिनर्स और आते हैं, और हमारे एग्जामिनर्स बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के. तो मैं ये तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये बिल्कुल फेयर है. कुछ भी फेयर नहीं है पूरे सिस्टम में. अगर हम झांकना चाहें तो 100% फेयर नहीं है, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट.